स्टूडेंट करेंगे हेलो वर्ल्ड किड्स फॉर क्लास एट चैप्टर नंबर वन आईसीटी फंडामेंटल्स और इसका सेकंड टॉपिक करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. इन कंप्यूटर नेटवर्क्स डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर थ्रू अ कनेक्शन मीडियम टू अनदर कंप्यूटर दैट रिसीव इट यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाई वी यूज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क होता है दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का आपस में किसी भी किस्म की मालूमात को शेयर करना. वो डाटा हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, वो ऑफिस की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या वो सिंपली एक टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है. तो अब कंप्यूटर नेटवर्क के मेन कॉम्पोनेंट्स में कौन कौन आता है, यानी हम ये यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम एक कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सके अपना डाटा टू द सेकेंड कंप्यूटर जो कि रिसीवर कंप्यूटर है. ठीक है, ज़ाहिर बात है हम इसलिए यूज़ करते हैं ना. अगर हम ख़त खताबत करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या होता है. व्हाट्सएप का मेन मकसद है कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकें, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहाल कर सकें, किसी के साथ कोई ज़रूरी बातें शेयर कर सकें, कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बेसिकली वहाँ ग्रुप्स बने हुए आपके स्कूल्स के, आपके स्कूल का डाटा शेयर होता है, आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आपके स्टैंडअप्स और आपके असेसमेंट्स और आपके सीपी का शेयर किया जाती है, वहाँ पे वर्कशीट्स आती हैं आपके पास. तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, यानी एक से दूसरे की तरफ एक पैगाम पहुँचाने के लिए विद इन सेकेंड्स. ठीक है, जो कि पहले मुमकिन नहीं था. अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कंप्यूटर की, तो उसमें आपके पास एक मैसेज का होना ज़रूरी है. नंबर टू, एक सेंडर डिवाइस हो और एक रिसीवर डिवाइस हो. That is not mean by the sender or receiver के वहाँ पर एक आदमी बैठा हो और एक यहाँ पर आदमी बैठा हो. कभी यकीनन वहाँ दोनों तरफ आदमी बैठे होते हैं, जैसे मैं और आप आपस में कोई भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू बात कर रहे हैं, कोई चीज़ भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें मेरे भेजने से आपके दिमाग में नहीं जाएंगी, वो डायरेक्टली जाएंगी टू योर डिवाइस जो कि आप यूज़ कर रहे हैं. वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो टैबलेट हो सकता है. ठीक है, तो जो आपके पास मौजूद है वो रिसीवर डिवाइस है, और जो मैं जिस मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर को यूज़ करके मैसेज को आपकी तरफ भेजना चाह रही हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग द सेंडर डिवाइस, वो कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है या हमारा टैबलेट है, वो सेंडर डिवाइस कहलाएगा, नॉट मी. आई एम नॉट द सेंडर डिवाइस, माई डिवाइस इज़ ए सेंडर डिवाइस. ठीक है, यानी मैं खुद वो सेंडर नहीं हूँ, मेरी डिवाइस सेंड कर रही है, मेरी बात आप तक मेरी डिवाइस पहुँचा रही है, और इसी तरह आपकी डिवाइस जो कि रिसीवर डिवाइस है, आप तक मेरी बात को पहुँचाने का ज़िम्मा उठा रही है. तो ये जहन में रखें अपने कि आपके पास पहले तीन कंपोनेंट क्या हैं. एक तो मैसेज का होना ज़रूरी है, वो मैसेज कुछ भी हो. सेकेंडली, उसमें एक सेंडर डिवाइस होगी, एक रिसीवर डिवाइस होगी. अब जो चौथी बात आती है वो ये कि आप और मैं किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, किस मीडियम से, वायरलेसली या फिज़िकली. क्या आप ऊपर वाले रूम में और मैं नीचे वाले रूम में हूँ और हम अपने कंप्यूटर्स को तारों के साथ जोड़कर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या मैं और आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरलेस कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गई चौथी चीज़, यानी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, हम लोग फिज़िकल एक दूसरे को भेज रहे हैं डाटा, या हम वायरलेस को यूज़ करके भेज रहे हैं. पांचवीं जो चीज़ रहती है वो रहती है प्रोटोकॉल की. जो मेरे पास डिवाइस है और जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइक मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ, तो उस पर प्रोटोकॉल लगा हुआ है. ठीक है, अ सेट ऑफ रूल इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल. वो मेरी जितनी चीज़ें हैं वो बड़ी एहतियात के साथ आप तक पहुँचाएगा, और दरमियान में आप तक पहुँचने तक कोई बंदा उसको पढ़ नहीं सकता. आप उस मैसेज को खोलेंगे, अब उस रिसीवर डिवाइस के ऊपर भी वो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, वो भी किसी और को आपकी डिवाइस में से उस मैसेज को नहीं खोलने देगा. जैसे आप अगर किसी को मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ होता है द चैट इज़ इनक्रिप्टेड, चैट टू चैट इज़ इनक्रिप्टेड. ठीक है ना, तो वो डाटा जितना चैट में होता है वो इनक्रिप्टेड होता है. इनक्रिप्टेड मीन्स होता है कि अगर तीसरा बंदा उस चैट को हैक करके पढ़ना चाहेगा, तो उसके सामने अजीबोगरीब सिंबल्स आ रहे होंगे, आला बात आठाशा इस तरह लिखा हुआ होगा, और कुछ डिवाइड स्लैश इस टाइप के सिंबल्स आ रहे होंगे, और वो उसको इंस्क्राइब नहीं कर पाएगा, और वो कहेगा यार ये कौन सी ज़ुबान में दोनों आपस में गप लगा रहे हैं. ठीक है ना, तो ये किस वजह से होता है, वो प्रोटोकॉल है जो हमारी आपस की बात को महफूज रखता है और तीसरे बंदे तक पहुँच नहीं देता. ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली
कि ये डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्कआउट किस तरह करता है इस डायग्राम के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, डाटा सेंट ओवर द नेटवर्क इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स या पार्ट्स, जिनको हम पैकेट्स बुलाते हैं। और ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है किस तरह मैंने आपको मैसेज भेजा, वो इधर 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 होता होता मेरे नेटवर्क से। लाइक मैं अगर टेलीनॉर इस्तेमाल कर रही हूँ और आप जैज़ कर रहे हैं, तो हाँ वो मीडियम से होता होता फिर आप तक पहुँचेगा, नेटवर्क ए से होकर नेटवर्क बी पर जाएगा और पैकेट्स की शक्ल में जाएगा। एंड इन द सेम मैनर आपसे मैसेज वापस मेरे पास आएगा। इस तरह हमारी चैटिंग है जो गो ऑन एंड ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह वो पैकेट्स की शक्ल में जाता है। मैंने कहा बच्चे परेशान है ना हो भाई पैकेट्स क्या हैं, तो मैं भी ये भी बता दूँ आपको। चलिए अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब ये मॉडल बना हुआ आपके पास, द फिगर बिलो शोज अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल इन अ नेटवर्क, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके पास ये सेंडर रखा हुआ है और ये रिसीवर रखा हुआ है। ये है मैसेज जो कभी इधर और इधर जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया पैकेट्स की शक्ल में। और दोनों तरफ प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, यानी हम हमारी आपस की जो भी बातें हैं वो किसी को पता नहीं चलेंगी। और ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, वही सिम जो आप और मैं यूज़ कर रहे हैं। लाइक हम इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं या हम फिज़िकली तारों के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों ये हमारा जो है ना मॉडल बड़ा आसान सा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैंने इसको बहुत बेहतरीन अंदाज से आपको समझा भी दिया है, यानी इधर सेंडर के पास भी प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, रिसीवर के पास भी प्रोटोकॉल लगे हैं, मैसेज इधर से उधर जाए या उधर से इधर जाए, हमें कोई डर वाली बात नहीं है, कोई इसको इंस्क्राइब नहीं कर सकता या खोल नहीं सकता। और ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि हम किस अंदाज से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस चीज़ की मदद से, इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं या फिर मैनुअली तारों के साथ जुड़े हुए हैं एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहकर। यानी मैं चौथे फ्लोर पर हूँ और आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तो इस तरह भी बात हो सकती है क्योंकि तारें इतनी लंबी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम उससे बड़े एरिया में जाएँ ना, तो फिर थोड़ा मसला होता है। लाइक टाउन हो या आउट ऑफ कंट्री हो या आउट ऑफ सिटी हो, फिर आप तारें नहीं बिछा सकते इतनी ज़्यादा। तो बेहतर यही होता है कि हम वायरलेसली बात करें। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज मैसेज। द मैसेज इज़ द कोर ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि बेस ही यही है ना। हम क्यों कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप या अपने मोबाइल और टैब के आगे बैठे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद आर फ्रेंड्स, आर टीचर, कुछ जो भी है, कुछ शेयर करने के लिए बैठे हैं ना, कोई या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बैठे हैं, रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए बैठे हैं। तो जो डाटा कम्युनिकेशन है, बातचीत है, डाटा का ट्रांसफ़र होना, उसमें मैसेज बुनियाद है। मैसेज होना चाहिए, चाहे वो पिक्चर हो, वो चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई टेक्स्ट मैसेज हो, ऐसे कुछ लाइनें लिखी हूँ। अब आगे हम पढ़ते हैं, इट रिप्रेजेंट द डाटा और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। यानी जिस चीज़ को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो कहलाता है मैसेज। अब मैसेज कैन बी इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एक्सेट्रा, जिस मैंने आपको कहा है वो वॉइस नोट भी हो सकता है, वो एक लिखी हुई लाइन भी हो सकता है, या कोई तस्वीर या वीडियो भी हो सकता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन इज सेंडर। यानी आपके पास एक सेंडर डिवाइस, आप किसके थ्रू वो मैसेज भेजेंगे? जाहिर बात है आप अगर दूर बैठे हुए एक दूसरे से, अपने अपने घरों में हैं दोनों फ्रेंड्स, तो फिर आप अपने लिए, वो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, आप टैब यूज़ कर रहे हो, या मोस्ट प्रोबेबली आप टैब यूज़ कर रहे हो, वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो एक सेंडर डिवाइस होनी ज़रूरी है, एक रिसीवर डिवाइस होनी ज़रूरी है। द सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, इट कैन बी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ रही होगी। और रिसीवर क्या है? रिसीवर बंदा नहीं है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इंसान सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं मैसेज को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो रिसीवर डिवाइस आपके फ्रेंड के पास है, अगर वो रिसीवर है, नहीं तो अगर आप रिसीवर हो, यानी आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज सेंड किया, तो आपके पास रिसीवर डिवाइस है। आप वो मोबाइल भी हो सकता है, वो टैबलेट भी हो सकता है, सेम ही बात है। द रिसीवर इज़ द डेस्टिनेशन डिवाइस वेयर द सेंड मैसेज हैज़ अराइव्ड। और आपने इसमें सिर्फ यही चीज़ ऐड करनी है कि रिसीवर जो होता है, दैट इज़ द डेस्टिनेशन डिवाइस वेयर द सेंड मैसेज हैज़ अराइव्ड, जहाँ पर वो मैसेज पहुँचता है, जिस डिवाइस पर, ठीक है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन, जो भी मंजिल होती है। यानी आप अपनी खाला को कोई मैसेज करना चाहते हैं कि प्लीज़ खाला आज हम आ रहे हैं, खाना पका के रखिएगा, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन आपकी क्या है? आपकी खाला का घर, आप वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। द ट्रांसमिशन मीडियम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आपके सेंडर एंड रिसीवर डिवाइस किसी काम के नहीं अगर उनके अंदर बैलेंस नहीं, या वो अगर किसी
वायरलेस कनेक्शन के साथ कनेक्टेड नहीं। लाइक मेरे पास कभी कभी, मैं बहुत ही गरीब हो जाती हूँ, ना इंटरनेट होता है ना मेरे पास बैलेंस होता है, ठीक है ना, और होता है सबके साथ ऐसा होता है। तो फिर मेरे पास वो फ़ोन जो है ना, एक लाइक समझ लें कि उसकी कोई औकात नहीं होती, वैसे पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता उसको, ना कोई बच्चा हाथ लगाता है, क्योंकि उनको पता है कि देर इज़ नो कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट एंड वी कैन नॉट एक्सेस एनी थिंग विदाउट इंटरनेट। तो ना हम किसी को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ना कोई वीडियो देख सकते हैं, ना यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। सो मोबाइल फ़ोन की उस वक्त फिर रिसीवर या सेंडर डिवाइस की कोई औकात ही नहीं रहती, लोगों ने ऐसे मोबाइल फेंके होते हैं। लेकिन जैसे ही घर में इंटरनेट बहाल होता है, बस सारे उस वक्त जो है ना मोबाइल से ज़्यादा उनको अजीज़ कुछ नहीं होता, चाहे आगे सामने कोरमा रखा हो, वो मोबाइल को सबसे पहले पकड़ेंगे। तो यही चीज़ मैंने आपको समझानी है कि मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या आपके मोबाइल या कंप्यूटर में मौजूद वो ट्रांसमिशन तारें या वायरलेस कनेक्शन जिसके थ्रू आपने अपना मैसेज किसी सेंडर डिवाइस को भेजना है या आपके रिसीवर डिवाइस ने रिसीव करना है। सो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट इट इज़ द पाथ बाय विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है ना। तो ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए मैसेज ने वहाँ तक पहुँचना है। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी गाइडेड वायर्ड, यानी वो तारों से जुड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं और आप एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लाइक मैं फर्स्ट फ्लोर पे और आप थर्ड फ्लोर पे हैं, तो हम लोगों ने तारों से अपना कनेक्शन जोड़ा, यानी आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है थ्रू वायर, तो इसको हम बोलेंगे वायर्ड और लाइक केबल्स और अनगाइडेड वायरलेस, या फिर अनगाइडेड वायरलेस, अनगाइडेड या फिर बगैर तारों के, जिसको हम वायरलेस बुलाते हैं। यानी आपके घर में भी कोई चार्जिंग डिवाइस है इंटरनेट की और मेरे घर में भी कोई चार्जिंग डिवाइस है, या हमारी सिम्स जो हैं वो भी हमें ट्रांसमिशन मीडियम जो है ना दे रही हैं, लाइक हम अपने अपने नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, लाइक रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की तरह। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3G 4G क्या है और लाइक अभी 5G क्या है, ये वेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं और ये रेडियो वेव्स हैं, जिसके थ्रू हमारी ऑडियो और हमारी वीडियोज़ जाती हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल वेव्स, और ये बड़ी रेडिएशन रखती हैं अपने अंदर, तो इसीलिए तो हमें इतनी चिड़ियाँ और परिंदे मरते नज़र आ रहे हैं, अभी हमें आसमान खाली नज़र आता है। नहीं तो हमारे दौर में माशाल्लाह इतनी चिड़ियाँ परिंदे होते थे, शाम के वक्त गोल के गोल उड़ रहे होते थे, ये इन्हीं वायरलेस डिवाइसेस की वजह से वो परिंदे जो है ना उस जाल के अंदर फंस जाते हैं जो नज़र नहीं आ रहा होता, लाइक ग्रेविटी जिस तरह एक्टिंग अपॉन एवरी थिंग ऑन द अर्थ, इसी तरह ये रेडिएशन एक्ट कर रही है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही है, हमें भी इफेक्ट कर रही है, जानवरों को भी इफेक्ट कर रही है, पौधों को भी इफेक्ट कर रही है। चले जी, अब चलते हैं हम सेट ऑफ रूल्स या लाइक प्रोटोकॉल की तरफ। दैट इज़ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को साथ साथ याद हो रहा होगा कि आपकी टीचर जो है ना पूरी मेहनत के साथ पढ़ाती हैं ताकि मेरे बच्चों को जो है ना रट्टे ना लगाने पड़े, कम से कम अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से बच्चे लिख सकें। इंशाल्लाह आप सब कामयाब होगे और सब ने मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना है। सो सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। अब वो ख्याल रखते हैं एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से क्या बात कर रही है, ठीक है, और इसके अलावा इनकी बातें कोई और ना सुन सके। लाइक हम इनको ख्याल दें, लाइक हम जब जाते हैं किसी होटल में और हम होटल का रूम रेंट आउट करते हैं, तो उस चीज़ का वो होटल वाले ख्याल रखते हैं कि हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने 2 दिन इस कमरे में रहना है और हम इनकी हर तरीके से इनका ख्याल रखें, इनकी प्राइवेसी का, इनके कंफर्ट का, इनको फैसिलिटेट करें, इनको गर्म पानी मिलना चाहिए, टॉवल मिलना चाहिए, इनको टाइम से खाना पूछना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इनका ख्याल रखें। इसी तरह जो भी एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हो डाटा कम्युनिकेशन के लिए, दे हैव अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, और उन्होंने वो आपकी सेफ्टी के लिए लगाए हुए। और इसके अलावा ये इसलिए भी लगे होते हैं क्योंकि वो गवर्न कर रहे होते हैं कि कोई किसी किस्म की इस तरह की बातें तो नहीं हो रही, कोई दहशतगर्दी वाली और टेररिज्म वाली, कोई दो बंदे ऐसी कोई फितना फसाद फैलाने वाली बातें तो नहीं कर रहे, तो वो उस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। दैट इज़ रियली गुड थिंग। These rules are set and designed by the designer of the communication system. अब ये rules बनाता कौन है? ये मैं और आप set नहीं करेंगे कि जी हम आपकी application use कर रहे हैं WhatsApp की, यहाँ अब हमारा हिसाब चलेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। नहीं, you have to follow the rules and protocols that is designed by the designer of the application. जो जिसने application बनाई है
उसने वो रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और उसी ने डिज़ाइन किए हुए हैं, विच रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। और अगर आपको याद हो, ये एक ख़ास किस्म का मुआहदा होता है आपके और उस एप्लीकेशन के डिज़ाइनर के दरमियान। जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वो आपसे एक बहुत बड़ा पेज होता है, लाइक 10-15-20 नोट्स वाला, कि आप ये सब कुछ पढ़ लें, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो उसमें ये डूज और ये डोंट्स हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, यानी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं कि आप ये अलाउ है आपको करना और ये नहीं अलाउ, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस ऐप कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है, अदरवाइज़ हम आपकी जो आइडिया है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के ऊपर हम बड़ी खुशी खुशी ओके बोल देते हैं, लेकिन अक्सर अवकात ऐसा होता है कि हम लोग उल्टी हरकतें करते हैं और अपनी आईडीज़ को ब्लॉक करवा बैठते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें सेट ऑफ रूल प्रोटोकॉल पढ़ना चाहिए। वैसे इतना टाइम किसी के पास होता नहीं, पाकिस्तान के पास तो वैसे कोई टाइम नहीं होता, हम तो वेले इतने हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चों, बस ये था हमारा टॉपिक, विच इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और उम्मीद है आपको अच्छे समझ आए। कि नीचे सवाल है, ड्रॉ एंड लेबल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप यही 5 नाम लिख दीजिएगा, एक कंप्यूटर बना दीजिएगा, और बस वो जो आपके पास मॉडल रखा हुआ है ना, उसी मॉडल को फॉलो करते हुए ना, आप सेम उसी तरह की ड्रॉ करके, तो एक डायग्राम और उसके ऊपर लेबलिंग कर लीजिएगा इन योर नोटबुक्स, और होपफुली आपके टीचर ने शायद करवाई भी हो। और दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, होप यू आर enjoying the video, please share and like my video, also watch every ad showing during the video because it's really going to help me, aur main zyada angrezi ho gayi hai, please bacho aane wale sare ads ko dekha kare, please that's really help me a lot, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ना ग्रो करे और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे, जैसे आप खुश होते हो देख के और बच्चों की भी मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह ने की बान।